नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके पहले अगर आप चैनल पर नए आओ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सकें। दोस्तों पहली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें यूएई के रूल्स चेंज होने की वजह से यहाँ पर लुफ्तांसा की फ्लाइटें जो इंडिया और जर्मनी के बीच में चल रही थी, अब उनको यहाँ पर बहराइन होते हुए लेकर आया और जाया जा रहा है। अगली खबर नेपाल से निकल कर आ रही है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, नेपाल ने अपने इंटरनेशनल फ्लाइटों पर बैन लगाया था, पर अब इस बैन को एक्सटेंड करके मई के एंड तक कर दिया गया है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि गोवा एयरपोर्ट से निकल कर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे, साइक्लोन का असर गोवा एयरपोर्ट पर दिखा है। गोवा एयरपोर्ट से आने और जाने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। अपनी एयरलाइन से एक बार चेक जरूर कर लें। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, अगली खबर दिल्ली एयरपोर्ट से निकल कर आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर जितने भी ऑपरेशन चल रहे थे T2 टर्मिनल से, उन सभी को बंद कर दिया जाएगा। 17 मई से केवल T3 टर्मिनल जो है वो ऑपरेशनल रहेगा। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, अहमदाबाद एयरपोर्ट से निकल कर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, बढ़ते कोरोना का असर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर दिखा है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 13 से ज़्यादा उड़ानें कैंसिल हो चुकी हैं। वहीं अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि यूएई की एयरलाइंस की तरफ से निकल कर आ रही है। आपको बता दें इसराइल में यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है उसको देखते हुए यूएई की दो एयरलाइंस ने इसराइल से जो अपनी फ्लाइटें हैं उनको बंद कर दिया है। इन दोनों फ्लाइटों का जो ये दोनों एयरलाइंस कंपनियां हैं, इनमें शामिल है फ्लाई दुबई और एतिहाद एयरवेज। तो ये है दोस्तों सारा हिसाब किताब इंटरनेशनल फ्लाइटों का। अगर आपका कुछ भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।